नमस्कार मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस सुंदर शाम में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु धन्यवाद के योग्य हैं। आज के इस दिन में हम लोगों को संभाल के रखा, हमें आशीष दिया, हमें अपनी अनुग्रह अपनी दया से अपने छत्र छाया में रखा, हमें हर एक संकटों से बचा के रखा, हर एक बीमारियों से बचा के रखा, हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखा। आइए इस सुंदर शाम में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे कि आज के इस रात में प्रभु हम लोगों को संभाल के रखे, हमसे बातें करे, हमें अपना दर्शन दे और हमारे हर एक घटी कमियों को पूरी करे और हमारे जो बंधन है वो आज के इस रात में टूट जाए। हमारे जीवन में जितने भी बंधन हैं, शैतानी बंधन, आज के इस रात में इस प्रार्थना के बाद उन सारे बंधनों को टूटते हुए अपने जीवन देखने पाएंगे। तो आप लोग इस प्रार्थना को लास्ट तक करें और प्रभु से अनुग्रह मांगे, दया मांगे, प्रभु आपको जरूर अनुग्रह और दया देगा और आपके परिवारों पर भी आशीष देगा और सुरक्षित और अच्छी नींद प्रदान करेगा। तो आइए हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु जी आज के इस दिन में आपने हमें संभाल के रखा, हमें आशीष दिया, अपने अनुग्रह प्रदान किया प्रभु जी, और ये नया मौका दिया है कि हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर शाम में हमें प्रभु जी हमें संभाल के रखा, हम पर दया किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन भर में आपने हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे साथ रहा, हमें हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखा प्रभु जी, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखा, हमें हर एक दुश्मनों से, हर एक बिचले जीव जंतुओं से, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से बचा के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप ही रखवाला हैं, आप ही हमारे रक्षा करते हैं प्रभु जी, आप ही हमारे चरवाहे हैं प्रभु जी, जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु जी आप वहाँ वहाँ हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे संग रहूँगा। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमें हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम में प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं पिता परमेश्वर, और उन लोगों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों को भी आपकी उपस्थिति में सौंपते हैं प्रभु जी, जो लोग इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन लोगों के भी अपनी छत्र छाया में ले लीजिए और उन लोगों के मन की बातों को प्रभु जी, उनके मनों में उनकी सारी समस्याओं को प्रभु जी, आप सारे लोगों के मन की बातों को जानते हैं प्रभु जी, उन लोगों की समस्याओं को देखिए, सुनिए और प्रभु जी उन लोगों की समस्याओं को आज के इस रात में, उनके जीवन में जितने भी शैतानी बंधन है प्रभु जी आज टूटने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस दिन में आपने हमें भोजन प्रदान किया, हमें संभाल के रखा प्रभु जी, और आज के इस शाम में हमें मौका दिया कि हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें प्रभु जी, आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु जी, प्रभु जी आप ही हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम में प्रभु जी, आज के इस दिन में प्रभु जी, हमसे जो भी पाप हुए, जो भी अपराध हुए हो प्रभु जी, हमारे उन सारे अपराधों को प्रभु जी क्षमा कर दे, क्योंकि प्रभु जी हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं प्रभु जी, आप ही सारे लोगों के अपराधों को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं प्रभु जी, आपके सिवा कोई हमारा अपराध क्षमा नहीं कर सकता प्रभु जी, आप ही हमारे पिता हैं प्रभु जी, आप ही हमारे प्यारे प्रभु ईश्वर स्वर्ग शक्तिमान हैं प्रभु जी, हम आपसे दया की याचना करते हैं प्रभु जी, हम पर दया कर, और हमारे इस दिन में जो भी अपराध हुए, हमने किसी का कहना नहीं माना हो प्रभु जी, हमने किसी को गाली दिया हो, या प्रभु जी हमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया हो प्रभु जी, हमारे उन सारे अपराधों को प्रभु जी, हमारे उन सारी गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी, और आज के इस दिन में, आज के इस शाम में प्रभु जी हमें उस अनुग्रह को दे, ताकि प्रभु जी कल से और अभी से प्रभु जी हमसे कोई भी अपराध ना होने पाए, उन सारे अपराधों को हम भूल जाए और हमसे द्वारा वो सब अपराध ना होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम में प्रभु जी हम लोगों को, हम उन लोगों को प्रभु जी, जो लोग भी इस प्रार्थना को, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होती है प्रभु जी, जिन घरों में बीमार हैं, जिनके मम्मी पापा बीमार हैं प्रभु जी, जिन घरों में जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही पिता परमेश्वर, जो लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु जी, तय हैं कर्जे से प्रभु जी,
उन लोगों को प्रभु जी आप उन लोगों के सारे बंधन को तोड़िए, उन लोगों की हर एक बीमारियों को दूर करिए, उनके हर एक कर्जे को दूर करिए हे प्रभु जी, उनके घरों में शांति को लाइए प्रभु जी, जिनको जिनकी शादियां नहीं हो रही प्रभु जी उनकी शादियां होने पाए हे पिता परमेश्वर, आप ही दयालु हैं प्रभु जी, आप दया करते हैं प्रभु जी, आप हर एक लोगों के मन के बातों को जानते हैं प्रभु जी, जो लोग सच्चे हृदय से आपके पास आते हैं, जो लोग सच्चे हृदय से आपकी ओर ताकते हैं प्रभु जी, आप उनको कभी निराश नहीं करते प्रभु जी, उनको कभी आप अनदेखा नहीं करते प्रभु जी, प्रभु जी जो आप पे भरोसा रखते हैं वे कभी प्रभु जी वे कभी लज्जित नहीं होते, क्योंकि प्रभु जी वे आप पे भरोसा किए प्रभु जी, वो आप पे भरोसा किए प्रभु जी, वो किसी अन्य देवी देवताओं पे भरोसा नहीं किए, क्योंकि प्रभु जी आप ही ईश्वर हैं, आप ही हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन के जीवन में जितने भी समस्याएँ हैं प्रभु जी, उन सारी समस्याओं को हम दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हे पिता परमेश्वर, और आज के इस शाम में प्रभु जी, आज के इस रात में हम उन भाई बहन के परिवारों को, रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं, आपकी छत्रछाया में सौंपते हैं प्रभु जी, आप हम लोगों को और उन भाई बहन के लोगों को अपने पंखों की आड़ में छुपा ले, अपने लहू से ढक ले, ताकि प्रभु जी आज के इस रात में प्रभु जी, आज के इस रात में वो लोग चैन की नींद, शांति की नींद ले सके प्रभु जी, और वो हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक विषैले जीव जंतुओं से बचे रहे हे पिता परमेश्वर, एक ही सुरक्षित स्थान है प्रभु जी, वह आपके चरणों का स्थान है प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं और उन भाई बहन को भी देते हैं प्रभु जी, आप हम लोगों को अपने शरण में शरण स्थान दीजिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हमें निराश न कर प्रभु जी, हमें अलग न कर, हमें अपना अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी, और हमें अपना ले प्रभु जी, हमें अपने गले से लगा ले प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं हे पिता परमेश्वर, आज के इस रात में प्रभु जी हमारे जीवन से सारे बंधन, सारे मुश्किलें, सारे बीमारियां चली जाए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, और आज के इस रात में प्रभु जी हमसे आके बातें कर, हमें अपना दर्शन दे प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज के बाद हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, आज से हमारी अगुवाई कर प्रभु जी, हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान कर जो कि हमारी अगुवाई करे, हमें आपके वचनों पर, आपके रास्तों पर चलने में हमारी सहायता करें हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं और अपने परिवारों में शांति को मांगते हैं, अपने जीवन में शांति को मांगते हैं प्रभु जी, हे प्रभु जी हम पर दया कर और हमारे हर एक प्रार्थनाओं को हे प्रभु जी आप पूरा कर हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इन सभी प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।